व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। थैंक यू गाइस, आप लोग ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया पहली वीडियो पे। मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग मुझे पहले वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देंगे, तो मैं उसी प्यार के वजह से आज मोटिवेट हुआ हूँ और एक और नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ रोहिणी में हमारा वृद्धाश्रम में अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। उस वक्त तो मुझे व्लॉग करने का कोई इरादा नहीं था, पर यहाँ के हालात देख करके मैंने ये बात लोगों को बताना ज़रूरी समझा। सो गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर रोड के बीच में आकर के क्यों ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब वहाँ का ऐसा ही सिचुएशन था कि मतलब मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाया। आंखें नम हो चुकी थी वहाँ का कंडीशन देख करके। आप सोचिए, वहाँ पे जो है एक आंटी पूरे वो ओल्ड एज होम को चला रही है ना। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है, आप लोग मतलब अगर ऐसा तो करोगे नहीं, नहीं पता मुझे करोगे या नहीं करोगे, पर मैं यही बोलूँगा आपको, अपने माँ बाप को कभी भी दुख मत देना, है ना। दुनिया में आप ना मतलब सब कुछ दोबारा मिल जाएगा आपको, पर माँ बाप कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कभी मत कीजिए, ओल्ड एज होम वगैरह में मत भेजिए उनको, है ना। और आप इतने बड़े हो जाते हो ना, उनके वजह से तो होते हो वो, मतलब अपना खून पसीना सब एक करके आप जो मांगते हो वो आपको देते हैं, इतना पढ़ाते लिखाते हैं। और जब उनको आपका सहायता चाहिए होता है, आप उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हो जा करके। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। और मेरे को तो आपको तो जैसे कि मैंने आपको आज बताया ही कि आज मेरे को ब्लॉग करने का तो इरादा था नहीं, पर तभी भी यहाँ का सिचुएशन देख करके मैंने किया है ब्लॉग। मेरा यही मोटिव है कि आप लोग ये ब्लॉग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, है ना, ताकि आप लोग के वजह से सबको यहाँ पर आए और कुछ अपना कंट्रीब्यूट करे, है ना। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर है, रोहिणी से टोल टैक्स काट करके वहाँ से लेफ्ट एक रास्ता जाता है ऊपर की ओर, वहाँ से 4 किलोमीटर अंदर है। तो आपका एक छोटा सा हेल्प, है ना, किसी को बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। हम लोग इतना पैसा मतलब इधर उधर खर्चा करते हैं, कभी पार्टी करते हैं, कभी कुछ खरीद लेते हैं बेफालतू में, है ना। तो इससे अच्छा आप भले आ करके ज़्यादा नहीं आधा घंटा दीजिए यहाँ पे, थोड़े देर बात उत कीजिए और थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने ये पैसा सही जगह पे दिया है, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहता है ना, पर आदमी आते जाते नहीं रहते हैं। तो इसलिए मेरा ब्लॉग का यही मोटिव है कि आप लोग जितना हो सके यहाँ पर आकर हेल्प करें। थैंक यू, बस इतना ही कहना था।